नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग ई पास कैसे बनाएंगे इसके बारे में वीडियो पे दिखाया गया है। अगर आपको एक स्टेट से दूसरा स्टेट पे जाना है या एक जिला से दूसरे जिला पे जाना है तो आपको ई पास का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए आज वीडियो पे दिखाते हैं कि कैसे ई पास झारखंड गवर्नमेंट का बनाते हैं, ये आप लोग को दिखाया गया है। बस देखिए स्टार्टिंग में जो है कि गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ पर ई पास लिखना है फ्रेंड्स, ई पास डॉट झारखंड डॉट एन आई सी डॉट इन। यहाँ पे सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया यूजर रजिस्ट्रेशन, तो यूजर का रजिस्ट्रेशन में जाना है। वहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल नंबर टूट करना होगा अपना, जो अपना मोबाइल नंबर है, और आप लोग यहाँ पे जो है कि सबमिट करना है। तो इसको एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा और एक बार मांगा जाता है, तो इसको दोबारा अपना जो है कि मोबाइल नंबर को सबमिट करना है या फिर दोबारा इसको सबमिट कर दिए फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए यहाँ एंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड किस टाइप का होगा, एक कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर होगा एंड कुछ स्पेशल करेक्टर होगा एंड न्यूमेरिकल नंबर होगा। तो ये सारे देख के इसको सबमिट कर दीजिए। हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा ताकि लॉगिन के टाइम ये पासवर्ड आपको जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, और जो है कि ये कन्फर्म फिर दोबारा पासवर्ड को कन्फर्मेशन के लिए मांग रहा है, तो दोबारा आप सेम पासवर्ड को पुट करिए। तो क्या करना है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर एंड नंबर, ओके। यहाँ फिर दोबारा इसको सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स जो है कि यहाँ पे मेरा सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद ये जो आईडी एंड पासवर्ड, यानी जो मोबाइल नंबर था और पासवर्ड डाले थे, इसी से मुझे लॉगिन करना। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी में मेरा मोबाइल नंबर आ चुका है, और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड अभी मैंने डाले थे वही पासवर्ड यहाँ पे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो कैप्चा जो देख रहे हैं ना, कैप्चा नंबर यहाँ पे आपको पुट करना होगा। कैप्चा नंबर पुट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो ये जो है कि ई पास का जो साइट है, इसमें आप ऑलरेडी यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं पे पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको टोटली फुल करना होगा। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको क्लिक किया फर्स्ट वाला, तो यहाँ यूजर प्रोफाइल जो है कि अपना नाम, जो भी नाम है वो नाम लिखिएगा। तो मैंने यहाँ जो नाम मुझे मिला वो मैंने लिख दिया है, और डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिए। तो आप लोग भी इसी टाइप का जो है कि फिल कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाँ आप जो भी है मेल फीमेल जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आप सारी चीज़ यहाँ पे फिल करना होगा। आपका एड्रेस जो है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको अपना एड्रेस को फिल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारी चीज़ भर दिए हैं, और जो है कि जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भरने के बाद नीचे जो है कि आपको एड्रेस फिल करना होगा, कौन सा स्टेट पे है और कौन सा एरिया पे रहते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे भरना होगा। तो मैंने भर दिए, भरने के बाद यहाँ पे जो है कि सेव करना होगा, सेव कर दिए, तो ये एक कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो है इसका, इसको भी अभी क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे यूजर डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड, ये सब देखिए आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। अप्लाई मतलब ये जो है ई पास के लिए अप्लाई, ई पास कैसे अप्लाई करते हैं ये आपका वीडियो है, और ई पास को कैसे इसको डाउनलोड होगा वो भी आज इसी वीडियो पर दिखाने वाला है। आईडी नंबर यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड हो या जो पैन कार्ड हो जो भी रहेगा वो आप फिल कर दीजिएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस जो आप सिलेक्ट किया है उसी को नंबर को क्लिक करना होगा। उसके बाद इसको सेव कर दिया फ्रेंड्स। देखिए सेव हो गया है, सेव होने के बाद देखिए ये 100% मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब जो है कि क्या करना है, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। इसका नीचे वाला में क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जी यहाँ पे जो जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये जो मैंने अप्लाई किए ये कहाँ के लिए अप्लाई किए, रिक्वेस्ट फॉर ई पास, आप यहाँ से रिक्वेस्ट के लिए ई पास भरिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है कि ई पास के लिए भर दिया। तो किस टाइप का आपको ई पास चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से आप अपना फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको फिल कर रहे हैं। उसके बाद आप कहाँ से, देखिए जो जहाँ से आप ईस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम या सरकेला खरसवां, जहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि सिलेक्ट कर दीजिए पहले सरकेला खरसवां या तो पूर्वी सिंहभूम या जो भी रहेगा आपको, मतलब जो जहाँ आपका है, जहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहाँ के लिए आप ई पास बनाना चाहते हैं, उसको डाल के यहाँ पर सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए एक न्यू लोगो खुल चुका है, इसमें आपको फिल करना होगा। देख सकते हैं आप लोग जो है कि अपना एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो है कि फिल कर दिए कहाँ से हो और कहाँ जाना चाहते हैं और किस डेट को जाना है और किस डेट से कितना दिन के लिए जाना है और किस लिए जाना है, ये सारी चीज़ फ्रेंड यहाँ पे आपको फिल करना होगा। कब से कब तक
ये आपको ड्यूरेशन के साथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पहले तो आपका जो लोकल एड्रेस है जहाँ रहते हो वहाँ से आपको कहाँ जाना है और किस पर्पस के लिए जाना है, सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना अपना हिसाब से, जिसको जिस काम के लिए जाना है। अगर कोई कंपनी में वर्क कर रहा है तो वो अपना जो है कि इंडस्ट्रियल को चूज कर लेंगे और उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। और कितना दिन के लिए लेना होगा उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप टाइम ड्यूरेशन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने फिल कर दिए हैं, आप लोग इजीली 5 मिनट के अंदर में आप लोग अपना जो है कि ई पास जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिए हैं, फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ सिलेक्शन का ऑप्शन है, आपको जो है कि यहाँ सिलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे सब डेट वोट दिया हुआ, किस डेट से जाना है और कहाँ जाना है, कितने घंटे के लिए जाना है, वो भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप लोग वो भी भर जी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद टू व्हीलर के लिए चाहिए तो टू व्हीलर, और फोर व्हीलर के चाहिए फोर व्हीलर। अगर टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का यहाँ का गाड़ी का नंबर डाल देना होगा फ्रेंड्स, और फोर व्हीलर होगा तो फोर व्हीलर का जो कि नंबर गाड़ी का वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मैंने यहाँ पर टू व्हीलर के लिए जो किए थे और टू व्हीलर का बाइक का जो है कि गाड़ी का नंबर डाल दिए, और जो यहाँ पर है टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ को आपको ठीक करना होगा फ्रेंड्स। सारे चेक कर दिए फ्रेंड्स, सारे चेक करने के बाद जो है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर देना होगा। तो देखिए सबमिट हो गया, अब इसको ओके कर दिए। इसके बाद सेम टू सेम आप क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये मेरा सबमिट हो चुका है, और फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे फ्रेंड्स। डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद नीचे वाला जो है डैशबोर्ड पे गए और नीचे में जो है कि ई पास को डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको देखिए ई पास, जी हाँ इसको जो है कि झारखंड ट्रेवल्स का जो है इधर ऑलरेडी व्यू देखिए हो चुका है। इसको व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद इसको व्यू में क्लिक कर देते हैं। तो देखिए मेरा ई पास जनरेट हो चुका है फ्रेंड्स। कैसा लगे मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।